हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम। एनालॉग कम्युनिकेशन में सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, उसका क्या यूज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं सैम्पलिंग थ्योरम का। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्स। मतलब ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम उसके सैम्पल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस सिग्नल कैन बी रिकवर्ड, और हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS, जो जिस फ्रीक्वेंसी से हमने इसको सैम्पल किया है वो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इनपुट सिग्नल है उसको अगर हम सैम्पल कर रहे हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, वो FS है, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी FM। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम उसके सैम्पल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके सैम्पल्स से हम उसको रिकवर करके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है सैम्पलिंग थ्योरम का। ठीक है, नाउ सपोज वी हैव अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल XT, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल XT है जो बैंड लिमिटेड है FM हर्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बैंड लिमिटेड है FM हर्ट्स। ठीक है, नाउ सैम्पलिंग ऑफ इनपुट सिग्नल XT कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दिस XT विद एन इम्पल्स ट्रेन Δt। मतलब अगर हमें किसी इनपुट सिग्नल का सैम्पलिंग करना है तो हम क्या करेंगे, उस XT को Δt मतलब इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस इम्पल्स ट्रेन का जो पीरियड होगा वो होगा TS। ठीक है, द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। जो भी मल्टीप्लायर का आउटपुट आएगा वो एक डिस्क्रीट सिग्नल होगा जिसको हम सैम्पल्ड सिग्नल कहते हैं, सैम्पल्ड सिग्नल, और जिसको हम YT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। सपोज़ ये एक इनपुट सिग्नल है XT, ठीक है, और ये बैंड लिमिटेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी है FM हर्ट्ज़। ठीक है, ये हमारी है इम्पल्स ट्रेन जिसमें इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड हमारा 1 है, तो इस एम्पलीट्यूड सिग्नल यहाँ पर जो भी एम्पलीट्यूड होगा, सपोज़ इनपुट सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड है 1.6 वोल्ट, और इम्पल्स ट्रेन का जो वैल्यू है वो 1 है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो वही ये 1.6 हमें यहाँ पर दिखेगा। इस पोर्शन पे एम्पलीट्यूड अगर है 2.3 वोल्ट, और इसको जब हम Δt से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा अगेन 2.3। तो ये जो 2.3 है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मतलब हम इनपुट को किसी भी इनपुट की कोई भी वैल्यू होगी Δt से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट वैल्यू ही आएगी, लेकिन दो पल्स इम्पल्स के बीच में आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड 0 है। ठीक है, तो ये 0 वाला पोर्शन जब इस इनपुट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम XT और Δt को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, YT इज इक्वल टू XT इंटू Δt, इस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन तभी होगा जो मैंने कंडीशन बताई कि FS मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस FM। ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये सिग्नल रिकवर हो पाएगा।
अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, एलाइजिंग इफेक्ट आता है। एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए पहली कंडीशन होती है जिसमें एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम है, इक्वल टू नहीं है, तो क्या होगा कि जो रिकवर्ड सिग्नल होगा वहाँ पर दो सैंपल्स के बीच में दो गैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओवर सैम्पलिंग, ज़्यादा सैम्पलिंग हो गई। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब एग्जैक्ट सिग्नल हमारा रिकवर होगा जैसा ये इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है। लेकिन अगर एफ एस लेस देन ट्वाइस एफ एम है तब क्या होगा, तब ये होगा कि एक इनपुट साइकिल आएगी वो ख़त्म नहीं होगी, तभी दूसरी इनपुट साइकिल आ जाएगी वो ख़त्म नहीं होगी, तभी तीसरी इनपुट साइकिल होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो जा रही है, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये ओवरलैप हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं अंडर सैम्पलिंग। तो परफेक्ट सैम्पलिंग तभी होगी जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, ठीक है। तो एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, ओवरलैपिंग रीजन इन केस ऑफ अंडर सैम्पलिंग। जो मैंने बताया अंडर सैम्पलिंग है उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये हमारे कहलाता है एलाइजिंग इफेक्ट, जो कि रिमूव किया जा सकता है बाय कंसिडरिंग टू पॉइंट्स। पहला, एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस एफ एम, या फिर एंटी एलाइजिंग फिल्टर यूज़ करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग तीन तरीके की सैम्पलिंग होती है, इम्पल्स सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, इम्पल्स सैम्पलिंग में जो XT होता है उसको हम इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अभी हमने दिखाया। नेचुरल सैम्पलिंग में XT को हम पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होती है उसमें हम XT को पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, लेकिन जो पल्स ट्रेन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो फ्लैट टॉप होता है, ठीक है। तो हमें जो फाइनली आउटपुट मिलता है वो फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल मिलता है। इसको हम प्रैक्टिकल सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास पल्स ट्रेन होती है जिसका टॉप फ्लैट होता है और हमें आउटपुट में फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल मिलता है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।